डीजे का शोर तथा असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न आवाज करने वाली बाइकों का जानबूझकर ध्वनि पैदा करने जैसी अव्यवस्थाओं पर लगाम लगाने को लेकर उपखंड अधिकारी ने प्रेस नोट किया जारी। डीडवाना उपखंड अधिकारी ने प्रेस नोट किया जारी, जिसमें छात्र छात्राओं को परीक्षाओं की शुभकामनाएं दी। साथ ही तेज आवाज में डीजे बजाना, रात 10 बजे बाद ध्वनि प्रदूषण करना, बाइक साइलेंस की आवाज, बाइकों से आना, इन सभी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और यह कहा है उपखंड अधिकारी ने प्रेस नोट में, अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को आगामी परीक्षाओं हेतु शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि उनकी परीक्षा तैयारियां पूर्ण होने की ओर अग्रसर होंगी। आशा की जाती है कि सभी विद्यार्थी बिना किसी तनाव व डर के पूर्ण संयम एवं धैर्य के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आमजन से अपील की जाती है कि वर्तमान समय में बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं, विभिन्न परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं का समय बच्चों के लिए अहम समय होता है, और चूंकि इस समय त्योहार विवाहों का भी साथ में समय है, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए ऐसे समय में उच्च आवाज की ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कम से कम करें। लाउडस्पीकरों की आवाज कम रखें तथा रात्रि 10 बजे के बाद इनका प्रयोग न करें। पुलिस तथा संबंधित विभाग समय समय पर क्षेत्र में मॉनिटरिंग करते रहे तथा किसी भी अव्यवस्था यथा लाउडस्पीकरों का अत्यावश्यक जोर से बजना, डीजे का शोर तथा असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न आवाज करने वाली बाइकों का जानबूझकर ध्वनि पैदा करने जैसी अव्यवस्थाओं पर लगाम लगाकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। मैडम, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, जिनको लेकर आपने एक कल प्रेस नोट जारी किया, डीजे ध्वनि प्रदूषण और जो बाइक की आवाज़ कर रही है साइरन से ज़्यादा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और आगे क्या कार्रवाई रहेगी? मैं सबसे पहले तो हमारे उपखंड क्षेत्र के समस्त विद्यार्थी, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम्स दे रहे हों या सामान्य एग्जाम दे रहे हों या कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। और मैं उन सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें और अपना मुकाम है वो हासिल करें। और मैं आमजन से अपील करना चाहूँगी कि चूंकि अभी शादियों का भी माहौल है, त्योहारों का भी सीजन है, और सब में हम शरीक होते हैं, और आजकल जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, डीजे हैं, ये देर रात तक बजते रहते हैं, जिससे बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, पढ़ाई है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ज़रूर होता है। और हर घर परिवार में बच्चे आजकल चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी करते ही हैं। तो मेरी आमजन से अपील है कि एग्ज़ाम्स के दौरान आप ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनका लिमिटेड प्रयोग करें, कम आवाज़ में प्रयोग करें, और जो नियमानुसार समय निर्धारित है रात में आप उनका प्रयोग नहीं करें। और साथ में आप मैं अपील करना चाहूँगी कि चिरंजीवी योजना है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि बीमारी है, दुर्घटनाएं हैं, वो हमें पूछकर नहीं आती हैं, कभी भी किसी के साथ घटित हो सकती है। तो अपना रजिस्ट्रेशन उस योजना में आप ज़रूर करवाएं, और किसी भी प्रकार का आपको प्रशासन से सहयोग है वो हमारी तरफ से आपको सदा रहेगा। धन्यवाद। मैडम, एक सवाल और था, जो ये बाइकें हैं बुलेट नाम की चल रही है, इनमें साइलेंसर की आवाज़ बहुत ज़्यादा रहती है, जिसमें एक बारूद की तरह आवाज़ निकलती है, इसको लेकर क्या कार्रवाई रहेगी? इसमें हमने पहले भी बोला है पुलिस विभाग के अधिकारियों को, परिवहन विभाग के अधिकारियों को, इस संबंध में हमने कार्रवाई करने के निर्देशित के लिए निर्देशित किया है, और साथ में अभी आगे हम इसमें कार्रवाई है वो जारी रहेगी। नियमानुसार जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन पर सभी पर कार्रवाई है वो जारी रहेगी। मैम, जो बाहर जो अतिक्रम रहता है, बाहर ठेले वाले रोड पर फिरते, उनके लिए क्या करते हो आप?